Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑस्ट्रेकोडर्माइका पार्ट टू बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डर्स बताऊंगी और ऑस्ट्रेकोडर्माइका की एफिनिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि ऑस्ट्रेकोडर्माइका के अंदर चार ऑर्डर्स होते हैं। पहला ऑर्डर होता है यूफेनेरिडा। ये यूफेनेरिडा ऑर्डर जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन जीनस। इसमें केवल एक जीनस पाया जाता है, जिसका उदाहरण है जेमोआइटिस। जेमोआइटिस जो होता है, अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो जेमोआइटिस इज बिलीव टू बी मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट नोन। सबसे ज़्यादा आदिम टाइप का वर्टिब्रेट है, एंड दिस फॉसिल जेमोआइटिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग 1946 बाय वाइट। इसको वाइट ने 1946 के अंदर डिस्क्राइब किया था। जेमोआइटिस जो है, इसके अंदर दिस नेम इज डिराइव्ड आफ्टर द लीडिंग पेलियंटोलॉजिस्ट जे ए मॉय थॉमस। इसको जेमोआइटिस और इस ऑर्डर को डिस्क्राइब किसने किया था? जे ए मॉय थॉमस ने। दीज एनिमल्स दे वर लिव्ड इन सिल्यूरियन पीरियड ऑफ द पैलियोजॉइक एरा अबाउट 400 मिलियन ईयर्स एगो। दिस फॉसिल हैड स्ट्रीमलाइन बॉडी। कैसी थी इनकी बॉडी? इस फॉसिल की स्ट्रीमलाइन थी। दिस फॉसिल वॉज फाउंड इन मेरीन सेडिमेंट्स एंड जॉज वर एबसेंट। ऑल द ऑस्ट्रेकोडर्म्स वर विद बोनी आर्मर, बट जेमोआइटिस वॉज विदाउट एनी आर्मर, बट द बॉडी वॉज कवर्ड विद बोनी स्केल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैड अ टर्मिनल माउथ। माउथ जो था वो टर्मिनल था। गिल स्लिट्स वर 15 पेयर्स एंड दे वर अरेंज्ड इन टू रोज ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। अगर हम जेमोआइटिस के फिन्स के बारे में बात करें, तो जेमोआइटिस के अंदर एक लंबा डॉर्सल फिन पाया जाता था, एक हिट्रोसर्कल कॉडल फिन पाया जाता था और एक पेयर ऑफ लेटरल फिन फोल्ड्स पाए जाते थे। ये जो थे पेट्रामाइजोन से बहुत रिजेंबल करते थे। किस तरह रिजेंबल करते थे? कि दे वर हैविंग एनुलर कार्टिलेज अराउंड द माउथ। उनके मुंह की तरफ एनुलर कार्टिलेज थी एंड अनकॉन्स्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड एंड गिल स्लिट्स। हेंस यंग सजेस्टेड इन 1981 दैट जेमोआइटिस माइट बी द एमोसीड लार्वा ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म। जब क्योंकि इनके अंदर पाइट्रामाइजोन के साथ ये दो पॉइंट्स रिजेम्बलेंस के पाए जाते थे, इसलिए यंग ने सजेस्ट किया कि जेमोआइटिस जो थे वो ऑस्ट्रेकोडर्म का एमोसीड लार्वा थे। मायोटोम्स जो थे, बॉडी सेगमेंट्स जो थे, देवर एब्सेंट, ये भी यंग ने ही बताया था। सेकेंड ऑर्डर जो है इसका ऑस्ट्रेकोडर्माइका, वो ऑर्डर है टीरोस्पाइडोमॉर्फी। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें टीरोन का मतलब होता है फिंस और एस्पिस का मतलब होता है शील्ड। इसके क्या कैरेक्टर्स हैं? कि दीज वर द फॉसिल्स एग्नेथन्स विद पेयर्ड नॉस्ट्रल्स। ये फॉसिल एग्नेथन्स थे जिनके ऊपर पेयर्ड नॉस्ट्रल्स पाए जाते थे। दे वर फर्स्ट अपियर ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड। किसमें हुए थे? कैम्ब्रियन पीरियड में अपेयर हुए थे एंड दे वर सर्वाइव अप टू डिवोनियन पीरियड, और डिवोनियन पीरियड तक ये सर्वाइव हुए। हैड एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज नैरो इन फ्रंट एंड प्रोलॉन्ग्ड इन टू अ रोस्ट्रम। आगे का जो भाग था वो बहुत ही नैरो था और आगे नुकीले पोस्ट्रम के अंदर निकला हुआ था। ये बात सैडविक ने 1905 में डिस्क्राइब की थी। इसके अलावा ये जो इस ऑर्डर्स के जो जंतु थे, इनके अंदर एक डॉर्सल शील्ड पाई जाती थी जो कि 11 प्लेटों से मिलकर बनी होती थी। अब ये 11 प्लेट किस किस की होती थी? एक प्लेट तो होती थी रोस्ट्रल, एक प्लेट होती थी पीनियल, एक प्लेट होती थी डॉर्सल, दो प्लेट होती थी ऑर्बिटल, दो प्लेट होती थी ब्रैंकियल, दो प्लेट होती थी कॉर्नियल और एक प्लेट होती थी वेंट्रियल। इसके अलावा देयर वर मैनी ओरल प्लेट्स। ये बात किसने कही थी? पार्कर एंड हसवल ने 1962 में। ये जो 11 खंडों की जो प्लेट बनी हुई होती थी, 10 प्लेट्स एंड स्केल्स इन द डर्मिस दे आर फॉर्म्ड अ बोनी आर्मर। इनसे क्या बनता था? इन प्लेट्स से एक बोनी आर्मर तैयार होता था। जो फॉर एग्जाम्पल, इसके उदाहरण कौन कौन से थे इस ऑर्डर के उदाहरण थे टेरेस्पिस, थैलोडस, लेनार्कीना एंड कोइलोलेप्सिस। ये ऑर्डर था। थर्ड ऑर्डर इसका था जिसका नाम था सिफेलेस्पिडा। सिफेलेस्पिडा को ऑस्टियो स्ट्राइकी भी कहते हैं।
इसके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स थे, दीज वॉज द बेस्ट नोन ऑफ ऑल द एस्ट्रेकोडर्म्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय हेमीसाइक्लेस्पिस। ये हेमीसाइक्लेस्पिस इसका बेहतर उदाहरण है। इसके अलावा इसका बेहतर उदाहरण है सिफेलेस्पिस। अब इनके अगर हम करेक्टर देखें तो दे लिव्ड ड्यूरिंग द सिल्यूरियन पीरियड एंड डिवोनियन पीरियड। कब पाए जाते थे ये? सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। द बॉडी वॉज फिश लाइक, इनके शरीर कैसा था? फिश लाइक था। फिन्स, और कौन कौन से फिन्स पाए जाते थे इसके ऊपर? एक मीडियन डॉर्सल फिन पाया जाता था और एक हेटरोसर्कल टेल पाई जाती थी। इसके अलावा अ पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन्स भी पाए जाते थे एंड दे वर कवर्ड विद स्केल। पेक्टोरल फिन्स के ऊपर स्केल्स भी पाए जाते थे। नेक्स्ट इज द सिंगल नॉस्ट्रिल वॉज प्रेजेंट, इनके अंदर एक सिंगल नॉस्ट्रिल भी पाया जाता था। नासा छिद्र, अ पीनियल ओपनिंग पाई जाती थी। इसके अलावा आईज पाई जाती थी, आईज वर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द हेड। इसके अलावा इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता था। दीज आर द थ्री मार्क्स एरिया ऑन द हेड। इसके अलावा गिल ओपनिंग्स पाई जाती थी और इंटरनल स्केलेटन इनके अंदर जो था वो कैसा था? एब्सेंट था। इसलिए हैंस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट दे माइट हैव बीन कार्टिलेजिनस, क्योंकि इनके अंदर बोनी स्केलेटन तो एंडोस्केलेटन एब्सेंट था, तो ये प्रिज्यूम किया जाता था कि ये कार्टिलेजिनस हैं एंड दे आर नॉट प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, इसलिए इनको फॉसिल के रूप में प्रिजर्व नहीं किया गया। ऑस्ट्रेकोडर्म का फोर्थ ऑर्डर है एनेस्पिडा। एनेस्पिडा जो है इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखें तो ये फॉसिल एग्निथंस थे जिनके ऊपर किसी तरह की शील्ड नहीं पाई जाती थी। दूसरा, इनकी जो बॉडी थी वो स्ट्रीमलाइंड होती थी और कवर्ड होती थी एनेस्पिड स्केल्स के द्वारा। माउथ जो था वो पोजीशन के अंदर टर्मिनल था। इट वॉज प्रेजेंटिंग अ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस विद द जॉड एनिमल्स। किससे मिलता था इनका मुंह? जिनके अंदर जबड़े पाए जाते थे ऐसे जानवरों से मिलता था। बट देयर वर नो फंक्शनल जॉस, परंतु वास्तव में इनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते थे। अगर हम इसकी आईज के बारे में बात करें तो आईज जो थी वो लेटरली लोकेटेड होती थी। नॉस्ट्रल्स सिंगल होता था और वो हेड के ऊपर पाया जाता था। पेयर्ड फिन्स जो थे इनके अंदर एब्सेंट थे, पर केवल एक वन पेयर ऑफ पेक्टोरल स्पाइंस प्रेजेंट थे। दे लिव्ड फ्रॉम सिल्यूरियन पीरियड टू डिवोनियन पीरियड। के अंदर ये जो फिगर नंबर वन मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, इसमें ये जेमोआइटिस है जो फर्स्ट वर्टिब्रेट था। इसमें देखिए इसके जो गिल स्लिट्स दिखाए हुए हैं, माउथ की टर्मिनल पोजीशन दिखाई हुई है, एक मीडियन डॉर्सन फिन दिखाया हुआ गया है, एक लेटरल फिन है और ये एपिकॉर्डल लोब ऑफ टेल है और ये हाइपोसर्कल टेल है। इसके अलावा एक एनल फिन है। इसके अलावा फिगर नंबर जो टू है इसके अंदर टेरेप्सिस को बताया गया है कि टेरेप्सिस जो था वो ऑस्ट्रेकोडर्म उसके बारे में बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि पीनियल बॉडी पाई जाती थी, ओरल प्लेट्स पाई जाती थी, वेंट्रल प्लेट पाई जाती थी और रेक्टेंगुलर स्केल्स पाए जाते थे। और इसी के अलावा इसके अंदर ये डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू दोनों इस एनिमल के दिखाए गए हैं टेरेप्सिस के। अगर हम फिगर नंबर थर्ड देखें तो ये लेटरल व्यू ऑफ हेमीसाइक्लेप्सिस का है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हेड शील्ड पाई जा रही है, यहाँ पे एक हेड शील्ड है, सेंसरी फील्ड है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लिपर्स हैं, ये बॉडी प्लेट्स पाई जा रही हैं और डॉर्सल फिन है और एक ये पेक्टोरल हेट्रोसर्कल टेल है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ फिगर देखें तो फोर्थ फिगर के अंदर हेड ऑफ सिफेलेस्पिस दिखाया गया है। ये इसकी अपर सरफेस है जिसके अंदर आईज है, नॉस्ट्रिल है, पीनियल ओपनिंग है, लेटरल सेंसरी ऑर्गन है और डॉर्सोमीडियल सेंसरी फोल्ड है। इसके अलावा जो बी है उसके अंदर लोअर सरफेस दिखाई है जिसमें नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहा है, पीनियल आई दिखाई दे रही है, डॉर्सल आई दिखाई दे रही है, डॉर्सोमीडियल सेंसरी फील्ड दिखाई दे रहा है, डॉर्सोलेटरल सेंसरी फील्ड दिखाई दे रहा है। देखिए अब हम ऑस्ट्रेकोडर्म की एफिनिटीज के बारे में बात करेंगे। एफिनिटीज का मतलब होता है कि किस तरह से कोई एक क्लास जो होती है वो दूसरे के साथ समानता या विभिन्नता प्रदर्शित करती है। तो पहले हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स की एग्नाथा और साइक्लोस्टोमेटा के साथ में क्या सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी, द ऑस्ट्रेकोडर्म रिप्रेजेंबल्स द साइक्लोस्टोम्स बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल, पीनियल आई, जॉलेस माउथ एंड द एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स। ये जो ऑस्ट्रेकोडर्म थे
वो साइक्लोस्टोम से किस तरह मिलते थे, साइक्लोस्टोम के अंदर भी मीडियन नॉस्ट्रल था, पीनियल फिन्स थे और प्रेजेंस ऑफ सिंगल मीडियन फिन था. हेंस द टू क्लासेस ऑस्ट्रिकोडर्म्स एंड साइक्लोस्टोम्स आर प्लेस टुगेदर इन द सुपर क्लास एग्नाथा. इसलिए इन दोनों को, ऑस्ट्रेकोडर्म को और साइक्लोस्टोमो को, दोनों को एक सुपर क्लास एग्नाथा में रखा गया. इसके बाद में हम देखते हैं इन साइक्लोस्टोम से किस तरह भिन्न थे. अब हम डिफरेंस देखेंगे एफिनिटीज के. द ऑस्ट्रेकोडर्म वर प्रोवाइडेड विद बोनी स्केलेटन. ऑस्ट्रेकोडर्म का स्केलेटन कैसा था, बोनी था. बट साइक्लोस्टोम्स विद कार्टिलेजिनस स्केलेटन. और साइक्लोस्टोम का स्केलेटन कैसा था, कार्टिलेजिनस था. हेंस बोन इज कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव कैरेक्टर. इसलिए बोन को प्रिमिटिव कैरेक्टर मान लिया गया ओवर कार्टिलेजिनस कैरेक्टर विच इज अ एडवांस कैरेक्टर. दो अ डिजनरेट कैरेक्टर, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो डिजनरेट कैरेक्टर है, परंतु यहाँ पर यह एडवांस कैरेक्टर माना गया. देयरफॉर इट मे बी इन्फर्ड, इससे ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट साइक्लोस्टोम्स आर डिजनरेट फॉर्म्स. हम ये निकाल सकते हैं कि साइक्लोस्टोम डिजनरेट फॉर्म्स है, हैविंग लॉस्ट द बोन फॉर्म्स, क्योंकि इनके अंदर बोन फॉर्म्स नहीं पाई जाती इन देयर स्केलेटन. अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड देखें तो दे वर द ऑस्ट्रेकोडर्म्स द एंसेस्टर्स ऑफ ग्नेथोस्टोम्स. क्या ऑस्ट्रेकोडर्म ग्नेथोस्टोम के एंसेस्टर्स थे, इज स्टिल डिबेटेबल. इस पर स्टिल डिबेट कायम है. दे गेव ओरिजन टू प्लैकोडर्म्स. प्लैकोडर्म्स को तो उन्होंने ओरिजन दिया था, परंतु मे बी अ पॉसिबिलिटी. दो अ फॉसिल रिकॉर्ड डू नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस, परंतु फॉसिल रिकॉर्ड कुछ नहीं कहता कि ये ऊपर दिया गया तर्क संगत सही है. द ऑस्ट्रेकोडर्म्स हाउएवर डिसअपियर्ड कम्प्लीटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ऑस्ट्रेकोडर्म जो थे वो बिल्कुल डिसअपियर हो गए विदाउट थ्रोइंग एनी लाइट ऑन द ओरिजन ऑफ प्लैकोडर्म्स. थैंक यू.